दोस्तों मैं विमल सैनी यूनिवर्स में डीजा तलाश ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमिनल इरेट एपी वीक के बारे में। तो दोस्तों एब्डोमिनल इरेट वीक क्यों किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है, उससे पहले मैं दोस्तों आपको तो बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जो एब्डोमिनल इरेट एपी व्यू है वो क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले आप तो वही पॉइंट है, सबसे पहले इंडिकेशन बताना है, उसके बाद में पेशेंट प्रिपरेशन बतानी है, पेशेंट पोजीशन बतानी है, ट्यूब सेंटर के बारे में बताना है, इसके बाद में दोस्तों आप तो बताना है एक्सपोजर फैक्टर के बारे में, इसके बाद में डिस्टेंस के बारे में बतानी है, इसके बाद में कैसेट साइज के बारे में बतानी है, ग्रिड के बारे में बतानी है, ग्रिड आप यूज करते हो या नहीं करते हो, इसके बाद में आपको बताना है ट्यूब मैनुअल देते हो या नहीं देते हो। तो दोस्तों इन पॉइंट के आधार पर अपन क्या जाते हैं दोस्तों एब्डोमन इरेट एपी व्यू की क्या करते हैं दोस्तों स्टडी करते हैं। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्डोमन जो ऐसे है ना वो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आते भी यही है। तो सबसे पहले आप तो एब्डोमन इरेट एपी व्यू में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप तो इंडिकेशन लिखना है। इंडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन है ना वो दोस्तों यही है गैस अंडर डॉम्स ऑफ डायफ्राम। तो दोस्तों जो एब्डोमन के अंदर जो गैस होती है उसको देने के लिए अपन क्या करवाते हैं दोस्तों एब्डोमन इरेट एपी व्यू करवाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो सस्पेक्टेड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं एब्डोमन इरेट एपी व्यू करवाए जाते हैं। इसके बाद में तो फोरेजिन बॉडी है एब्डोमन एरिया के अंदर वो देने के लिए अपन क्या करवाए जाते हैं दोस्तों एब्डोमन इरेट एपी व्यू करवाया जाता है। इसके बाद में सस्पेक्टेड एब्डोमिनल मासेस देने के लिए भी अपन क्या करवाते हैं दोस्तों एब्डोमन इरेट एपी व्यू करवाए जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो एब्डोमिनल पेन के लिए भी अपन क्या करवाते हैं दोस्तों एब्डोमन इरेट एपी व्यू करवाया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में अपन क्या करते हैं दोस्तों जो मेटलिक ऑब्जेक्ट है ना एब्डोमिनल एरिया के आसपास उस पर अपन क्या करते हैं दोस्तों रिमूव करवा देना चाहिए। इसके बाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उनके एक्सरे नहीं करवाए जाते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों पेशेंट पोजीशन। पेशेंट पोजीशन में क्या करते हैं दोस्तों पेशेंट तो चेस्ट स्टैंड के सामने ये मिटन है दोस्तों यहाँ पर क्या रहे हैं दोस्तों पेशेंट तो चेस्ट स्टैंड के सामने एपी पोजीशन में खड़ा किया जाता है। इसके बाद पेशेंट ये दोनों पैरों तो आपस में मिलाया जाता है और कैसेट तो लेंथ वाइज इस प्रकार से लगाते हैं। कैसेट का जो अपर बॉर्डर होता है वो निप्पल से 2 इंच ऊपर है जिससे कि डायफ्राम सही प्रकार से फिल्म पर आ जाए तथा कैसेट का जो शेष भाग है ना वो नीचे रखते हैं और एक्सपोजर के दौरान क्या करते हैं पेशेंट की सांस रुकवानी चाहिए। जय दोस्तों मैं इसकी पोजीशन आप तो बता देता हूँ एब्डोमिन इरेक्ट एपी व्यू की। ये मान लो ये क्या है दोस्तों आपका चेस्ट स्टैंड है, मान लो मैं पेशेंट हूँ, आप तो क्या करना है सर्वप्रथम पेशेंट तो एपी पोजीशन में क्या करना है चेस्ट स्टैंड के सामने आप तो क्या करना है पेशेंट खड़ा कर देना है। उसके बाद में पेशेंट जो दोनों पैरों तो आपस में मिला देना है। इसके बाद में आप तो क्या करना है दोस्तों इसमें मैंने लिखा नहीं जो हेड जो आपके हाथ है ना उन तो क्या करना है दोस्तों एब्डोमिनल एरिया से दूर देना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप तो क्या करना है एब्डोमिनल एरिया से दोनों हाथों तो क्या करना है दोस्तों दूर करना है। इसके बाद में आप जाते हैं कैसेट तो लेंथ वाइज इस प्रकार से रखना चाहिए कि कैसेट का जो अपर बॉर्डर है ना वो निप्पल से 2 इंच ऊपर रहना चाहिए दोस्तों, जिससे क्या होता है दोस्तों जो डायफ्राम होता है ना वो आ जाता है। एब्डोमिनल इरेट एपी व्यू में क्या आता है दोस्तों इसकी सही सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सही पोजिशन ये है कि इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों डायफ्राम आना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं जो कैसेट का जो अपर बॉर्डर है ना वो निप्पल से 2 इंच ऊपर रखते हैं और जो शेष भाग है ना वो नीचे रहता है। और जब अपन एक्सपोज करते हैं ना उस दौरान जाते हैं पेशेंट तो सांस भरवाई जाती है, उसके बाद में सांस तो रुकवाते समय अपन जाते हैं एक्सपोज करते हैं। तो इस प्रकार से अपन जाते हैं एब्डोमिनल इरेट एपी व्यू की जाते हैं दोस्तों स्टडी करते हैं। इसके बाद में अपन जाते हैं ट्यूब का सेंटर। जो ट्यूब का सेंटर है ना वो क्या करता है दोस्तों अपनी जो अमेरिकस रीजन होता है ना वहां पर अपन जाते हैं ट्यूब का सेंटर दिया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इस तो मैं मिटा देता हूं तो आप तो इसमें बताना है डिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें अपन डिस्टेंस रखते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इसमें अपन डिस्टेंस रखते हैं। इसके बाद में आप तो क्या करना है दोस्तों आप तो बताना है एक्सपोजर फैक्टर के बारे में। जो एक्सपोजर फैक्टर है ना वो दोस्तों इसमें अपन यूज में लेते हैं, जो केवी है ना वो तो अपन यूज में लेते हैं 60 और जो एमएएस है ना वो अपन यूज में लेते हैं दोस्तों 30। इसके बाद में आपको तो बताना है सातवां पॉइंट कैसेट साइज के बारे में। कैसेट साइज में आप बताना है 14-17 के अपन क्या करते हैं दोस्तों कैसेट यूज में लेते हैं।
इसके बाद में हमारा आठवां पॉइंट आता है ग्रिड। तो दोस्तों इसमें अपन ग्रिड का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप क्या करना दोस्तों यहाँ पर लिख देना नो यूज। इसके बाद में आप तो नवा पॉइंट बताना है ट्यूब एंगल। ट्यूब में अपन दोस्तों क्या करते हैं एंगल नहीं देते हैं, तो बता देना नो नीड। दोस्तों एब्डोमिनल इरेक्ट एपिव्यू में अपन जाते हैं नो पॉइंट ज़्यादा, आप इसकी स्टडी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों जो एब्डोमिनल इरेक्ट एपिव्यू है ना, इसमें क्या करना होना चाहिए दोस्तों, जो आपकी जो फिल्म होती है ना उस पर क्या होना चाहिए दोस्तों, डायफ्राम आना चाहिए। यदि डायफ्राम नहीं आ रहा है, कट रहा है, तो आपकी जो पोजिशन है वो गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप तो इंडिकेशन बताना है, उसके बाद पेशेंट प्रिपरेशन बतानी है, फिर आप तो पेशेंट पोजीशन के बारे में बताना है, ट्यूब सेंटर के बारे में बताना है, डिस्टेंस के बारे में बताना है, एस्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बताना है, कैसेट साइज के बारे में बताना है, ग्रिड के बारे में बताना है, ट्यूब एंगल के बारे में बताना है। इस हिसाब से दोस्तों आप जाना है दोस्तों एग्जाम में लिख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आरपीएमसी एंड जो आरयूएचएस है उसने ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी एब्डोमिन इरेक्ट एपिव्यू वीडियो। आई होप आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, ये लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।